अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। 1830-31 तक गोल्ड कल चला गया था, उसके बाद वापस लोस की तरफ। गोल्ड की जो सेलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और एक जिसे कहते हैं बहुत एक सटल तरीके से सेलिंग हो रही है। गोल्ड सेलिंग के बाद आप ये देख सकते हो 1817 के बाद कोशिश करता है $10-11 उठने की, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। फाइनली आज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, 7 बजे कोर पीसी इंडेक्स के नंबर से। आज ये वही नंबर्स हैं जिसको देखकर फेडरल रिजर्व जो है अपने इन्फ्लेशन के टारगेट्स या फिर इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट जो है वो तय करता है। CPI जो है वो एक मैट्रिक तो है ही, बट फेडरल रिजर्व काफ़ी बारी कह चुका है जो उनके इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के जो टारगेट्स वो 2% के देते हैं, वो पीसी इंडेक्स को देके देते हैं। तो आज पीसी इंडेक्स का डेटा है, शाम को देखते हैं क्या होता है। वैसे जिस तरीके से इन्फ्लेशन हॉट हो रही है, जिस तरीके से GDP एकदम खड़ी हुई है, कहीं जा नहीं रही है, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि पीसी इंडेक्स हो सकता है बढ़ के ही आए, और हो सकता है गोल्ड फाइनली $1800 के नीचे की जो शुरुआत है वो आज से हो सकता है कर दें। डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एक अजम्पशन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीसी इंडेक्स हो सकता है थोड़ा सा बढ़ के आए। लास्ट टाइम 0.3% आया था, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 0.4 या 0.5% आ जाए। 0.5% आ गया तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि $1800 के नीचे की क्लोजिंग हो। मैं ट्राई करूँगा शाम को लाइव स्ट्रीम करने की 7 बजे के आसपास। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए लाइव स्ट्रीम का। कल लाइव स्ट्रीम की थी मैंने, GDP नंबर्स थे कल। GDP नंबर्स के बाद कल मैंने मार्केट कमेंट्री में आपको नए लेवल्स भी दे दिए थे। कल GDP आने के बाद 1815 का मैंने आपको सपोर्ट दिया था, आप भी देख सकते हो 1817 के आसपास का लो बना के मार्केट ऊपर गया है। ये सारे के सारे लेवल जो है वो मार्केट कमेंट्री में आए थे। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो अभी गोल्ड चल रहा है 1826-27 के आसपास। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। वैसे MCX के लेवल्स, गोल्ड सिल्वर और नेचुरल गैस के लेवल्स मैं मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, आप वहाँ पर रोज़ चेक कर सकते हैं। अभी भी आएंगे और 5 बजे जब INR बंद हो जाएगा तब भी नेचुरल गैस और गोल्ड सिल्वर के लेवल आएंगे। $1835 के आसपास का रेजिस्टेंस है, 1835, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो फाइनली 1840-50 तक जा सकता है। 1815 का सपोर्ट है, 1815 के नीचे निकलता है तो $1800 और फिर $1790 तक जा सकता है। आज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा, कोई भी आप पंगे ले रहे हो स्टॉप लॉस के साथ पंगे लीजिएगा, बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम $5-10 के लिए ट्रेड तो ले लेते हैं, फिर ट्रेड नीचे ऊपर हो जाता है तो सोचते हैं बस अभी नीचे आएगा, अभी ऊपर आएगा, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे ही हो जाता है। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर ने कल लोज बनाए 21-26 के आसपास। सिल्वर में आपको सपोर्ट दिया था $21.20 का, मार्केट कमेंट्री में दिया था ये, 21-20 का सपोर्ट इंटैक्ट है। उसके बाद 21-40 तक के हाइज बनाए और अभी $21.33 के आसपास चल रहा है, ये भी वीक जोन में है। तो आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट क्या है सिल्वर का, चलिए देख लेते हैं। 21-10 का सपोर्ट है, 21-10 का, इसके नीचे जाके अगर सस्टेन करता है तो 20-80 और 20-50 तक गोल्ड जा सकता है। रेजिस्टेंस है 21-55 का, 21-55 के ऊपर 21-70 और $22 तक सिल्वर जा सकता है। फिलहाल सिल्वर भी वीक जोन में है तो ख्याल रखिएगा। अब आ जाता है क्रूड ऑयल पे। 75-40 का कल रेजिस्टेंस था, कल इन्वेंट्री आई थी, इन्वेंट्री पॉजिटिव थी क्रूड ऑयल की, लेकिन इन्वेंट्री के बाद मैंने एक अपडेट दिया था मार्केट कॉमेंट्री में। 76-50 का हमारा ट्रेंड डिसाइडर था, हमेशा एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल होता है जो मैं मार्केट कमेंट्री में देता हूँ। तो कल 76-50 का ट्रेंड डिसाइडर था, 76 के बाद मार्केट ज़्यादा ऊपर गया नहीं, आप ये देख सकते हो, उसके बाद लोस बनाए 74-50 के। तो हमारा 76-50 का जो ट्रेंड डिसाइडर था कल, उसने अच्छा काम किया।
अभी फिलहाल जो है चल रहा है 75-90 के आसपास। तो आज का रेजिस्टेंस क्या है? आज का रेजिस्टेंस है 76-30 का, सपोर्ट है आज का 74-50 का। ट्रेंड फिलहाल फ्लैट है, बट 76-30 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो मार्केट फाइनली पॉजिटिव जोन में क्रूड ऑयल का चला जाएगा। अब आ जाना है यूरो पे। वैसे डॉलर इंडेक्स के लेवल्स भी आते हैं मार्केट कमेंट्री में। यूरो चल रहा है 604 के आसपास, 580 का कल सपोर्ट था, 580 के नीचे के वीक ज़रूर है बट सस्टेन नहीं हुआ। आज जो है रेजिस्टेंस 630 का है, सपोर्ट 570 का है। ट्रेंड अभी भी वीक बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से ऊपर जा रहा है उस तरीके से तो ये अभी भी काफ़ी वीक जोन में है, बट देखते हैं डॉलर इंडेक्स में कुछ नीचे के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन आता है तो देन वी विल सी। अभी फिलहाल आते हैं ब्रिटिश पाउंड पे, देन देखेंगे क्रिप्टोस। 20-30 ब्रीच हो चुका है इसके अंदर, 20-30 के नीचे, इनफैक्ट 1991 के आसपास के लोस बन चुके हैं। वीक जोन में आ चुका है, अब ये फ्लैट में नहीं रहेगा, अब ये वीक जोन में रहेगा। 1980 का सपोर्ट है आज का, रेजिस्टेंस है आज का 2060 का। ट्रेंड हो चुका है इसका फ्लैट, सॉरी फ्लैट से हो चुका है वीक, ये इसका फ्लैट जो है गया। अब आते हैं बिटकॉइन पे। 23,900 का रेजिस्टेंस था, ब्रीच होके 23,600 के लोज बन चुके हैं तो इसका मतलब वीक जोन में आ चुका है। आज का सपोर्ट है 23,300 डॉलर का, रेजिस्टेंस है आज का 24,430 डॉलर का। ट्रेंड है फिलहाल इसका वीक तो रखिएगा ख्याल, 24,300 डॉलर के ऊपर जाएगा और सस्टेन करेगा तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी ज़रूर नज़र आ सकती है। अब आते हैं एथरम पे। एथरम चल रहा है 1,650 डॉलर के आसपास, 1620 का सपोर्ट था इसका, 1620 का सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, 1690 का जो रेजिस्टेंस है वो भी अभी तक इंटैक्ट है। बाकी लाइव डेटा और लाइव अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो उसका अपडेट मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे दे देता हूँ। आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रहे हो तो मेरे नाम से काफ़ी फेक प्रोफाइल हैं, तो प्लीज़ ऑफिशियल वाला ही ज्वाइन कीजिएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, मार्केट कमेंट्री कैसे ज्वाइन करते हैं उसकी भी जानकारी मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। शाम को मिलेंगे लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।